हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है मोदी सरकार। कैलाश चौधरी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पचपदरा विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर आम जन से मुलाकात की और सुनी समस्याएं। बाड़मेर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। सोमवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जानियाना सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए एवं आम जन व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाई जा रहे राष्ट्रव्यापी सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आज गरीब से गरीब को भी पूरा लाभ मिल रहा है, जो कभी केवल साधन संपन्न लोगों को सीमित था। खुद कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक केंद्र से भेजे हुए 100 में से मात्र 15 आम जन तक पहुंच पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने का काम किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार सही अर्थों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मूल मंत्र को जमीनी स्तर पर आम जन तक पहुंचा रही है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। देश का गरीब देश की मुख्य धारा से जुड़ता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। राष्ट्रहित एवं जनहित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित मोदी सरकार विकास कार्य में भेद नहीं करती है। कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले लगभग 8 साल में हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं उज्ज्वला योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का हर घर में लाभार्थी मिलेगा। किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है सरकार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इन केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार लगातार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं कृषि बजट को बढ़ाकर 1,23,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जो कि पहले केवल 21,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था। साथ ही सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। बागवानी फसलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए अलग से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ से ही कृषि और गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में देश में 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना और 10,000 कृषि उत्पादक संगठन का निर्माण जैसे कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।